दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल रसा इंटीरियर में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ पीवीसी सीलिंग डिज़ाइन जो कि हमने एक बाथरूम में जो है वो बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक न्यू बाथरूम जो है वो तैयार हो रहा है, तो इसके अंदर सिंपल पीवीसी सीलिंग जो है वो की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज डिमांड ऑफ ऑनर, तो पूरा तरीका मैं आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले आपको जो आपके पैरामीटर वगैरह लगा करके आपको जाल बांध लेना है, और इतने बड़े एरिया में जैसे कि मान लीजिए बाथरूम का ज़्यादा बड़े एरिया तो होते नहीं है, तो लगभग से ये जो हमारा पूरा बाथरूम है ये 4x7 का हमारा बाथरूम है और इसमें हमने लगाने हैं पीवीसी पैनल। तो उसके लिए आपको जाल बांध करके और बीच में एक सपोर्ट जो है वो लंबे एरिया की तरफ डाल देनी है। उसके बाद में जो सपोर्ट जो आपने एल पत्ती या पैरामीटर लगाए हैं उसके नीचे आप यू लगा देंगे जैसे कि मैंने पहले आपको दिखा दिया है। उसके बाद में आप पैनल जो है वो लगाएंगे। देखिए यहाँ से हमारा जो पैनल लगना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इस बाथरूम का जो ऊपर सीलिंग है वो थोड़ा टेपर में है, तो इसलिए हमारे जो पैनल हैं वो कट कर मतलब टेपर में कटिंग किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन का पूरा तरीका आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबा लीजिए आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिखा रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखते रहें। पूरी वीडियो को देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी किस तरीके से पीवीसी पैनल जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं। ये जो हमारा पैनल है दोस्तों ये सिल्वर लाइन पैनल है, और इस पैनल की सबसे ख़ास बात ये है कि इस पैनल में कहीं पर भी ग्रुप जो है वो नज़र नहीं आता है। जो आपके इसका जो डिज़ाइन है दोस्तों वो सिल्वर लाइन जो इस पैनल पर दी गई है, इस पैनल को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें बीच में कोई ग्रुप जो है वो नज़र नहीं आता है। जब आप पैनल लगा देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि आपकी एक ही मतलब सारे पैनल जितने भी लगे हुए हैं वो एक 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 जैसी हैं, मतलब कहीं भी जॉइंट जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस आप देखते रहिए, वीडियो को शुरू से आखिर तक दिखा रहा हूँ, कोई भी स्टेप मिस मत करना। किस तरीके से आपको पीवीसी पैनल जो है लगवाने हैं ये लगाने हैं, बाथरूम में अगर आप लगवाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी लगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर जो है क्रिएट नहीं होने वाली है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि बहुत से हमारे भाई जो हैं वो क्वेश्चन करते रहते हैं कि किचन में या बाथरूम में पीवीसी पैनल लगवा सकते हैं या नहीं, तो हाँ मेरे भाई बिल्कुल आप लगवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है नहीं होने वाली है। किचन के लिए सबसे ज़रूरी है कि एग्जॉस्ट फैन आपका जो है वो लगा हुआ हो, क्योंकि जो एक तो ऑलरेडी हीट छत में होती है और उसके बाद आपकी जो है वो हीट पड़ती है जो आपकी मतलब किचन में जो भी रेसिपी वगैरह कुछ तैयार कर रहे हैं आप, वहाँ की जो हीट पड़ेगी तो वो डायरेक्टली अब उसी में सारी कुछ मिलावट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी जो है उसमें पैदा हो जाएगी, तो उससे पैनल में दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप एग्जॉस्ट फैन जो है वो लगा लेते हैं, जो गर्मी है वो बाहर निकलती रहती है, तो आपको जो है किचन में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है। लेकिन अगर आप बाथरूम में पीवीसी पैनल इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो बेफिक्र आप इंस्टॉल करा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है नहीं होने वाली है किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पर जो पैनल इंस्टॉल किए जा रहे हैं ये एक बाथरूम में ही किए जा रहे हैं, सिंपल सिलिंग इस पूरी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंपल सीलिंग जो है वो की जा रही है। और इसमें दो लाइटें हमारी लगनी हैं, 6-6 वोल्ट की दो लाइटें लगनी हैं। उनके लिए भी जैसे कि मैंने बताया आपको बिल्कुल पैरामीटर सेंटर में नहीं डालना है, आपको जो पैरामीटर डालना है वो थोड़ा हटा करके, जैसे मान लीजिए अगर आपका 50 इंच की जगह आ रही है तो उसमें आप क्या करेंगे 20 इंच पर आप जो है 20 या उससे थोड़ा कम में 15-20 इंच पर जो है वो पैरामीटर लगा देंगे, और उसके बाद आपकी जो जगह है वो काफ़ी जगह बच जाएगी आपकी लाइट कटिंग के लिए, और आपका पैरामीटर भी जो है वो उसमें नहीं आएगा। जो हमारे भाई पीवीसी वर्क करते हैं वो उनको वो जानते ही हैं, लेकिन अगर आप पीवीसी वर्क करा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा डिज़ाइन जो है तैयार किया जाता है और डिज़ाइन तैयार होने के बाद में कैसा लगता है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप सिंपल सीलिंग कुछ इस तरीके कराना चाहते हैं, ज़्यादा कुछ डिज़ाइन उसमें नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल है, तो वो आप 90 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से करा सकते हैं। बाकी अभी अगर आप वर्क कराना चाहते हैं डिज़ाइन के साथ में तो 110 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से जो है वो वर्क करा सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और अभी मार्केट में जो पैनल रेट है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, पैनल जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो इस वजह से प्राइस जो है वो अभी 110 रुपये पर स्क्वायर फुट है। तो 110 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आप पीवीसी सीलिंग जो है वो करा सकते हैं। यहाँ पर आप देखें जब सब आपके पैनल लग जाते हैं तो जो आपकी यू होती है यू को कुछ इस तरीके से देखिए,
क्योंकि तीन तरफ आप यू लगा लेंगे और पैनल भी लगाते चले जाएंगे जब आप जो है वो पैरामीटर के नीचे यू स्क्रू वगैरह से लगा लेंगे। लेकिन चारों तरफ अगर आप यू लगा लेते हैं तो आपका जो पैनल है वो सही तरीके से नहीं लगेगा, एक तरफ की जगह आप छोड़ कर चलेंगे। तो उसको कवर करने के लिए आपको यू को कुछ इस तरीके से छीलना है, जैसा कि मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप यू को छीलेंगे और छीलने के बाद में इसको पेस्ट कैसे किया जाएगा ऊपर, वो भी आप आगे देखेंगे, और पूरा डिज़ाइन बनने के बाद में कैसा लगेगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में जो है मिलेगी। दोस्तों, अगर हमारा वर्क आपको पसंद आता है, हमारा काम आपको पसंद आता है, जानकारी हमारे चैनल से मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें और सबसे पहले वीडियो जो है वो नए से नए डिज़ाइन हमारे चैनल से रिलेटेड आप देख सकें। और दोस्तों, आगे भी बहुत सारी वीडियोस ऐसी आने वाली हैं जो कि शायद ही पहले कभी किसी चैनल पर आपने ऐसे डिज़ाइन जो है देखे होंगे या कहीं पर भी ऐसे डिज़ाइन देखे होंगे। तो अभी जो है वो वर्क प्रोसेस में है, बहुत जगह हमारा वर्क जो है वो चल रहा है, तो जैसे ही वो डिज़ाइन कंप्लीट हो जाते हैं तो उनका पूरा वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा, और बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन जो है हमारे तैयार हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में वर्क कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, पंजाब में या चंडीगढ़ में कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। चंडीगढ़ और पंजाब के लिए जो रेट है वो 90 रुपये पर स्क्वायर फुट है, और अगर आप दिल्ली से हैं, दिल्ली में वर्क कराना चाहते हैं, तो 110 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आप PVC सीलिंग जो है वो करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।